हैं नीलरतन जी? कहाँ है मिलते हैं ऐसे अनमोल रतन जैसे हैं अपने नील रतन। जोरदार तालियां नीलरतन साहब के लिए। नमस्कार, परमादरणीय माननीय मुख्य अतिथि महोदय, उपस्थित दर्शकों, देवियों एवं सज्जनों, वैसे तो मैं एक आप ही की तरह शरीफ इंसान हूं, पर आजकल थोड़ा परेशान हूं, इसलिए ऐसा लग सकता हूं जैसे जगते हुए सो रहा हूं और सोते हुए जग रहा हूं। इसीलिए ऐसा लग रहा हूं कि सोते हुए जग रहा हूं, जगते हुए सो रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मूर्ख हूं या अज्ञानी हूं, इसका मतलब ये है कि मैं विवाहित प्राणी हूं। यानी आप ही की तरह मैं भी शादीशुदा हूं, पर इस मामले में आपसे जुदा हूं, क्योंकि आज के डेट में हमारे परिवार में मैं और मेरी पत्नी के बीच में ना झगड़ा है, ना लड़ाई है, ना दीवार है, ना खाई है, हमारे घर में घोर शांति छाई है। विश्वास होता है? क्योंकि हमने अपने घर में सत्ता की प्राप्ति के लिए प्रजातांत्रिक प्रणाली अपनाई है, अर्थात हमने अपने घर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई है। वर्तमान व्यवस्था की तरह सत्ता की चाबी मेरी पत्नी जी के हाथ है। वर्तमान व्यवस्था के तहत सत्ता की चाबी मेरी पत्नी जी के हाथ है, क्योंकि 2/3 बच्चों का बहुमत पत्नी जी के साथ है और उनको अपने मायके से बाहर से भी समर्थन प्राप्त है, इसीलिए हमारे घर में पत्नी जी की हुकूमत व्याप्त है। जहां तक मेरा सवाल है, बड़ा बुरा हाल है, मेरे साथ न घर है न ससुराल है, एक एक वोट का अकाल है, हालात बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल से विरोधी पार्टी का दर्जा हासिल है। मेरी पत्नी के पास कपड़ों और गहनों की भरमार है, हर दिन 16 श्रृंगार है, लिपस्टिक है वगैरह वगैरह, 16 श्रृंगार है, कपड़ों की भरमार है, गहनों की भरमार है, इसलिए मेरा दावा है कि पत्नी के पास ब्लैक मनी का भंडार है। इसीलिए काफी दिनों से आलमारी के गुप्त लॉकर की जांच के लिए चिल्ला रहा हूं, घर से ससुराल जा रहा हूं, ससुराल से घर आ रहा हूं, सबको गुहार लगा रहा हूं, पर मेरी बात सुनने को कोई तैयार नहीं। कहते हैं कि जब घर में तुम्हारी सरकार नहीं तो जांच के कोई आसार नहीं। अगर सत्ता की चाबी होती मेरे हाथ तो बन जाती बात, अगर सत्ता की चाबी होती मेरे हाथ तो बन जाती बात, क्योंकि सच का सच और झूठ का झूठ बना देता, सच का सच और झूठ का झूठ, झूठ का झूठ और सच का सच करवा देता। राशन पानी और साग सब्जी की खरीदारी में घोटालों में हुए, खरीदारी में घोटालों में हुए की जांच करवा देता, राशन पानी और साग सब्जी की खरीदारी में हुए घोटालों की जांच करवा देता। पर क्या करें, बच्चे बड़े नालायक हैं, निगम में कमबख्त टॉफी चॉकलेट और आइसक्रीम की लालच में लपक जाते हैं, सत्ता के साथ चिपक जाते हैं। एक बार सत्ता पलटने की पुरजोर कोशिश की तो पत्नी ने कान में कहा, चुप रहो चुप रहो, वरना तुम्हें बदनाम कर दूंगी और तुम्हारे सारे काले कारनामे सरेआम कर दूंगी। तब से हमने भी सरकार पर, अपने घर की सरकार के ऊपर हमले कम कर दिए हैं, क्योंकि मैं पत्नी पति का हैसियत और बदले में मिलने वाला लंच का डब्बा खोना नहीं चाहता। जय हिंद, जय भारत, जय नेवी।